ये हम लोगों ने एंट्री कर ली है बिजरानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद ये बिजरानी का स्वागत कक्ष है, जहाँ पर कि आपको परमिट चढ़ाना होता है। इसके जस्ट बगल में वॉशरूम है। सामने आप लोग देख पाएंगे कि स्टे करने के लिए फॉरेस्ट का एक रेस्ट हाउस दिया गया है, जिसकी बीच की बिल्डिंग ब्रिटिश टाइम की है, 1928 की बनाई हुई है। और इसके साइड के कुछ रूम्स हैं जो अभी नए बनाए हैं। साइड की लोकेशन, पेड़ के ऊपर एक मचान दिया गया है, ट्री हाउस। यहाँ टूरिस्ट के लिए पार्किंग। जस्ट उसके पीछे बिहाइंड ये कैंटीन है टूरिस्ट के लिए, यहाँ पर स्टे वालों के लिए भी बफे सिस्टम होता है। और इस ग्रीन हट के पीछे लेडीज वॉशरूम, यहाँ पर मीटिंग हॉल। उसके पीछे एलिफेंट के, जो राइडिंग एलिफेंट हैं, उसके रहने की जगह। इसके साइड में ये कुछ सर्वेंट क्वार्टर दिए गए हैं। ये बिजरानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के बीच में, यहाँ पर ये रेस्ट हाउस के अंदर आने के लिए एंट्रेंस, ये आप देख पा रहे हैं। इस तरह से कुछ बोर्ड यहाँ लगे होंगे, और ये साइटिंग बोर्ड, ये जब टाइगर दिखता है यहाँ पे तो इस साइटिंग बोर्ड पे लिखा जाता है कि किस जगह पे यहाँ पर टाइगर, यहाँ पे साइटिंग कहाँ पर हुई है। और ये देखो जगह जगह पे यहाँ पे मैप बनाए गए हैं कॉर्बेट के बारे में, कॉर्बेट के लिए। यहाँ दोनों बिजरानी टूरिज्म जोन का है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का मैप है, है ना, वन विश्राम भवन। यहाँ पे ये वन विश्राम भवन, फिर ये बिजरानी का मैप। ये आप लोग देख पा रहे हैं बिजरानी का मैप है। ये पूरा इसमें बिजरानी के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे कौन सी रोड कहाँ गई है, पूरा कब बना, कैसे बना, पूरा इसमें दर्शाया गया है। ये आप इसकी लोकेशन देखें, ये इसके आसपास का एरिया। इसको सोलर इलेक्ट्रिक वायर से भी सुरक्षित किया गया है। अब आप देखें कि कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिजरानी के बारे में लिखा है और इसका मैप दिया है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ये मैप दिया है। पूरा इसमें सारे गेट्स के बारे में, सारे रेस्ट हाउस के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन इसमें दर्शाई गई है। आप इसको भी देख सकते हैं, ये यहाँ पार्किंग है इसके बगल में, ट्री हाउस। और उस तरफ जो देख पा रहे हैं वो लेडीज टॉयलेट है। तो ये ऐसा व्यवस्था, उधर सर्वेंट क्वार्टर हैं और ये मीटिंग हॉल। ये हमारे वाहन चालक हैं पब्लू भाई, हाय बोले। ये हमारा नेचुरलिस्ट संतोष क्रिकेटी जी हैं, काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस है इनको, 21 इयर्स इनको यहाँ काम करते हुए हो गए। और बहुत ही माइंड ब्लोइंग साउंड निकालते हैं टाइगर की। ये कगती जी साउंड निकालें प्लीज, ऐसा कह के आने वाले गेस्टों को प्लीज उत्तेजित मत करो प्लीज। मेरे चैनल पे आप प्लीज हैं इस समय, और आप प्लीज थोड़ा सा आवाज निकालें टाइगर के बारे में। टाइगर का जो हैबिटेट है, छुप के रहने की प्रवृत्ति है उसकी, प्लीज थोड़ी सी आवाज से यह है कि अब
करके दीजिए आपको थोड़ा सा एनिमल्स के एनिमल साउंड के बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आवाज़ निकालें। चलो तुम्हारे ज़्यादा कहने पे मैं एक बार ट्राई करता हूँ, काफ़ी टाइम से वो नहीं किया है। इस तरह से टाइगर अपना कॉल करता है। गाइस आप लोगों ने देखा कि करकेती जी ने कितनी बढ़िया शानदार टाइगर की साउंड निकाली है, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब टाइगर बुशेस के अंदर से आवाज़ करता है तो ऐसी ही साउंड होती है जैसा आप सुन पा रहे हैं। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें, और बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सब खैर।